और दगड़ियों क्या हाल है नी? मैं छू आज आपका गांव पटोपन। तो यहाँ पे मैं आ रखा हूँ एक क्या कहते हैं हमारे पहाड़ का रामबाण इलाज बच्चों के लिए, उसके बीच में। इसे हम सिसौड़ बोलते हैं और गढ़वाल में कंडाली बोलते हैं, हिंदी में बिच्छू घास बोलते हैं और इंग्लिश में नटर लीप बोला जाता है इसको। तो ये हमारा पहाड़ का अगर कोई बच्चा बहुत शैतानी करता है तो उसका रामबाण इलाज है। इसको चट्ट से लगा दो तो बस काम बन गया, ना कहीं चोट का निशान ना कुछ, दर्द देगा हजार। तो इसका लेकिन बेस्ट यूज होता है कि कैंसर तक के पेशेंटों में यूज होता है और शुगर जो पेशेंट होता है उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। और इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, तो हम इसकी सब्ज़ी बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं सिसौड़ का साग। तो सब्ज़ी बनाना तो इतना टफ नहीं है, लेकिन सबसे जो उसका मुश्किल पार्ट है उसको काटना। और क्योंकि इसको अगर आप टच कर दोगे ऐसे भी तो आपको लग जाएगा। हमको तो आदत है, हमको तो आपको दिक्कत नहीं होती, लोग हम तो कुछ भी कर सकते हैं ऐसे, हो गया, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो शहरी लोग होते हैं या कहीं बाहर जिनको नहीं देखा होता है उनको लगता है तो बस एक बार झन्नाटेदार होता रहता है उनके उसमें। तब तक इसको देखें कि हम पहले इसको कैसे काटते हैं और फिर इसको बनाएंगे। चलो मैं इसको आपको काटते कैसे वो दिखाता हूँ और सेफ्टी से कैसे काटते हैं। सबसे पहली बात तो इसको हमेशा, अगर इसको काटने जा रहे हो तो हमेशा एक ऐसी लकड़ी ज़रूर रखें जिससे इसको आप ऐसे मोड़ सकते हो और ये आपकी तरफ आएगा भी नहीं, कुछ नहीं करना। उसके बाद ये रखना है, ऐसे साइड में रख दो और ऐसे उठा के अपने थैले में रख दो, ठीक है। और ऐसी करते करते आपको, और एक तो काटते टाइम ये भी देखना है कि जो पत्ते थोड़ा कोमल कोमल से और के उन्हीं को तोड़ें, सबको ना तोड़ें क्योंकि सब में दिक्कत होती है। तो इनके कोमल कोमल वाले पत्ते को रखेंगे, जो डंडे हैं उनको हम हटा देंगे वरना खाने में टेस्टी नहीं लगता। चलो अब थैला भरने लग गया तो चलते हैं फिर अब घर को। एक ये बज गया। तो दगड़ियों लेके आ चुके हैं हम इसे तोड़ के वो पटोपन में और सही सलामत भी लाए, कुछ करंट वरंट नहीं लगा। पर मैं चाहूँगा एक बार कि आप इसको एक बार जरूर इसका ऐसे टच का एहसास करें, क्योंकि जो टच पे करंट लगता है ना वो अलग ही लेवल का लगता है। तो अब मैं इसको बताऊंगा कि आपको कैसे बनाते हैं इसको, क्योंकि इसको बनाना थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। एक्चुअली क्या है कि हमारे जो ज़्यादा लोग इसको बनाते हैं तो वो बोलते हैं कि इसको बनाते टाइम बोला भी नहीं जाता, पर मुझे बोलना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं बोल लेंगे। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसको उबालना होता है कढ़ाई में ही, और उसी कढ़ाई में जब उबल जाता है तो उसके बाद उसमें हम पालक मिलाते हैं। ये पालक है, ये मैंने काट के रखा हुआ है, क्योंकि पालक से क्या होता है इसको थोड़ा सॉफ्टनेस देता है और इसमें ज़्यादा कुछ मसाला नहीं पड़ता है, सिर्फ एक चीज़ का तड़का पड़ता है, वो है हमारा हींग। तो हमारा हींग का तड़का पड़ता है इसमें बस, और बाकी थोड़ा नमक मिर्च और कोई खास मसाला नहीं। तो चलो बनाते हैं फिर इसको। तो अपना सिसौड़ को उबालने की प्रोसेस चालू करते हैं फिर। तो उबालने के लिए क्या किया, कुछ नहीं किया, सिंपली कढ़ाई में मैंने थोड़ा पानी रख दिया है, इसमें नमक वमक कुछ नहीं डालना अभी, क्योंकि अभी इसका नमक का थोड़ा क्वान्टिटी का अंदाज़ा नहीं आ पाता अभी, ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, बाद में ये रिड्यूस होकर बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए अभी खाली पानी डाला है और उसमें हम सीधे सिसौड़ को डाल देंगे और इसको ढक के थोड़ा पकाते रहेंगे थोड़ी देर तक, जब तक अच्छे से गल नहीं जाता। तो बाद में पालक मिलाएंगे, उसके बाद तड़का। तो चलो डालते इसको, ऐसे थोड़ा देर घुमाते रहेंगे क्योंकि थोड़ा नीचे बैठ जाएगा तब तक इसका रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम ढक्कन लगा देंगे और रख देंगे। और सिसौड़ का और भी बहुत सारे फायदे हैं, उनमें से एक फ़ायदा और है कि जो हमारे थोड़ा पहाड़ में छल झपट भूत पिशाच का थोड़ा वो होता है, उसको बचाने के लिए जो नवजात शिशु होते हैं उनके घर के बाहर भी उसको लगाया जाता है। इसको सिसौड़ को काट के घर के बाहर जो दहलीज के ऊपर टगा देते हैं ताकि बच्चे को नज़र ना लगे। काफ़ी गल चुका है और अब इसके बाद इस पॉइंट पर हमें इसमें डालना है पालक।
क्योंकि पालक बहुत इजीली गल जाता है, वैसे भी हमारे खेतों का है तो और जल्दी गल जाता है। तो चलो, और पालक ज़्यादा नहीं डालना इसमें, ऐसा नहीं कि हमें पालक और सरसों को मैं बराबर क्वांटिटी में डालना है, पालक थोड़ा सा डालना है, थोड़ा सा इसको बस एक उसको क्या कहते हैं उसको गालक का काम करता है ताकि ये और गलाने में हेल्प करता है और इसके साथ मेल्ट अच्छे से हो जाता है। हाँ, बीच बीच में इसको देखते रहना है ताकि तला वाला ना लगे, तला लग जाता तो फिर खाने में टेस्टी नहीं होता। और अब इस पॉइंट पर मुझे इसका अंदाज़ा आ चुका है कि ये रिड्यूस होके कितना बनेगा, तो इसमें हम इसके बाद अब डाल देंगे नमक, तो स्वाद अनुसार। तो इसको काफ़ी घोटने के बाद ये अब गल तो चुका है वैसे, और अब इसमें हम लगाते हैं तड़का। तो तड़का लगाने के लिए भी हम इसी कढ़ाई का यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इसका जो हमने सिसोण का है साग को हमने पका दिया इसे, तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं, और हटाने के बाद हम इसको थोड़ा थाली में डाल देंगे और इसी सिसोण इसी कढ़ाई में हम तड़का लगाएंगे। हमारा अब तेल तो गर्म हो चुका है और इसमें हम लगाएंगे हींग और अपने लाल लाल मिर्च का तड़का। तो दगड़ियों, अब मेरा सिसोण का साग तो बन के तैयार हो चुका है, और जब तक मेरा सिसोण का साग बन रहा था तब तक मेरी बहन ने मड़ुए की रोटी भी बना दी और ला दी मेरे लिए एक गिलास चाय। तो दिन का लंच आज मैं ऐसे ही करूँगा, मड़ुए की रोटी और सिसोण का साग, साथ में मिर्च और मेरी चाय।